Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं जसाम अंसारी एंड वर वाचिंग ब्लॉग्स। तो गाइज, जो दोहा कतर का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसके सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे एक न्यूज अनाउंस हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों के लिए एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया है। रीजन ये बताया गया है कि ये जितने भी एम्प्लॉय लोग अरेस्ट हुए हैं, वो लोग सभी को पाया गया कि क्राइम करने में इन्वॉल्वमेंट था। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक वर्ड यूज किया गया है वहाँ पे, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है स्टील करना, मिस अप्रोप्रिएट करना। मतलब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, उसका चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे पैसा हो, चाहे पब्लिक मनी हो, उसको मिस अप्रोप्रिएट करना, स्टील करना, उसे इम्बेजलमेंट कहते हैं। तो ये एम्प्लॉई लोग पाया गया है कि इन लोगों ने ऐसा काम किया है। तो जितना भी मतलब इन लोगों के अगेंस्ट में जितना भी इविडेंस था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कलेक्ट करके और फॉरवर्ड कर दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूशन को। आप लोगों को पता है पब्लिक प्रोसिक्यूशन यहाँ पे क्या होता है, अदालत होता है। अगर इन लोगों के पास जितना भी इविडेंस है वो प्रूफ होता है तो इन लोगों को सजाए होगा। और ये काम जो भी करता है दोहा कतर में, पब्लिक मनी जो डैमेज करता है, चाहे इम्बेजलमेंट करता है कोई भी कंपनी के साथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यहाँ का लॉ क्या कहता है इस पे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ आर्टिकल 148 लॉ नंबर 11 ऑफ 2004 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी एम्प्लॉई, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा काम करता है तो उसे 5 से लेकर 10 साल तक सजा हो सकता है। ठीक है, अगर उन लोगों के अगेंस्ट में एविडेंस मिल गया और उन लोगों को पाया जाता है कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट था, तो इन लोगों को 5 से लेकर 10 साल तक सजाए होगा और कुछ फाइन भी होगा। ठीक है, तो एक छोटा अपडेट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।